हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हो गए। तो फ्रेंड, आज मेरे पास आया एक आईफोन 7 प्लस। तो हम इसमें चार्जिंग के जो हमारा फ्लैक्स होता है, पोर्ट है, हम उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो उसको हम रिप्लेस करना सीखेंगे कि कैसे हम आईफोन 7 प्लस के या आईफोन 7 के चार्जिंग पोर्ट को कैसे रिप्लेस करें, ठीक है। तो मेरे पास देखिए आईफोन 7 प्लस है। चलिए मैं इस फ़ोन को पहले डिसेंबल कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, हम इस फ़ोन को यहाँ से डिसेंबल कर लेंगे। किस तरह आपको फ़ोन खोलना है, तो पहले ही फ्रेंड फ़ोन खुला हुआ है इसलिए खोलना इसको आसान होता है, ठीक है। तो इस तरह खोलना है, तो यहाँ से नीचे पुश करिए, साइड से उठाइए, साइड ऑफ में ये इसके कनेक्टर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कनेक्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे डिस्प्ले का टच के पत्ता है, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो हमेशा फ्रेंड आप बैटरी कनेक्टर जो निकाल लेना, कभी भी फ़ोन गलती से आपने फ़ोन ऑन ना ऑफ ना किया हो तो इसलिए कनेक्टर जो निकालना। तो यहाँ से हम इसको अलग कर देते हैं, जब हमारा डिस्प्ले है तो डिस्प्ले हमने अलग कर दिए। तो चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो देखिए मेरे पास अभी एक चार्जिंग का पोर्ट है, ये हम मार्केट से लाए हैं, कॉपी आता है ये, ठीक है। तो बता दो फ्रेंड, ये कॉपी जो हमारे फ्लैक्स होते हैं इनकी कोई वारंटी गारंटी नहीं होती है, इसलिए आप चेक करके ही वहाँ से लाइए, ठीक है। कैसे इसको रिप्लेस करना है चलिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले इसको खोलेंगे, क्या क्या करके हमें खोलना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे सिमटर निकाल दूँगा। सिमटर फ्रेंड इसलिए निकालेंगे क्योंकि मदरबोर्ड जो है हमारा है ये भी इसके नीचे है चार्जिंग का पोर्ट, तो इसको हटाना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे क्या करना है फ्रेंड आपको, जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है इसके नीचे चार्जिंग पत्ता है, कनेक्टर जो है उसके नीचे लगा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ से आप इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। तो स्पीकर यहाँ पे है इसका रिंगर, तो रिंगर को सारे इतने स्क्रू है सब खोलेंगे। तो आप फ्रेंड पूरा वीडियो में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे इसका पोर्ट चेंज करते हैं। तो फ्रेंड आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस का जो चार्जिंग पोर्ट है वो सेम ही है, लेकिन छोटा बड़ा है, लेकिन जो भी जो इसमें स्क्रू हैं, जो भी सिस्टम है, सब सेम ही है, ठीक है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप 7 प्लस में आपको दिखा रहा हूँ कि 7 तो मेरे पास फिलहाल अभी चार्जिंग पोर्ट ले आया नहीं है, तो इस 7 प्लस आया है, तो यही सेम स्टेप उसमें भी है, यही सेम स्टेप इसमें भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारे स्क्रू हम खोल लेते हैं। तो इसको जो चार्जिंग नेटवर्क की वायर है इसको निकाल लेंगे, पहले नेटवर्क एंटीना लगा होता है यहाँ खींचने। तो फ्रेंड आप ज़बरदस्ती खींचना मत बिल्कुल भी, ठीक है, कुछ भी हो फ्रेंड खींचना बिल्कुल मत, अगर नेटवर्क टूटेगी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप बिल्कुल भी एंटीना वगैरह तार वगैरह सब बिल्कुल ध्यान से ही निकालना, ठीक है। तो देख सकते हो आप, तो इसको निकाल देते हैं यहाँ से, ये वायर निकाल देते हैं यहाँ से इसको, आपको बड़े ध्यान से काम करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। ये फ्रेंड ये फ़ोन वैसे महंगे वाले हैं, मैंने आपको आईफोन 5 और 6 में सबको बता रखा है कि चार्जिंग पोर्ट चेंज करते हुए या आईफोन को रिपेयर करते हुए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड फ़ोन के हिसाब से आपको काम करना है, जितने महंगे फ़ोन उतने ध्यान से आपको काम करना है, ठीक है। तो हमने इसका रिंगर निकाल लिया, रिंगर इस तरह का होता है 7 प्लस का, ठीक है। तो ये रिंगर है, तो चलिए आप इसके पोर्ट खोलते हैं जितने स्क्रू हैं। तो देखिए यहाँ पे साइड में सारे स्क्रू लगे पड़े हैं, इनको खोल देते हैं। तो ये जहाँ पे हम खोल रहे हैं ये वाइब्रेटर है इसका, जो ना फ़ोन वाइब्रेट करता है, इसका जो वाइब्रेटर है यहाँ लगा हुआ है, देखिए ये इसका वाइब्रेटर है, लेकिन हम इसे खींचेंगे नहीं क्योंकि फ्रेंड इसका कनेक्टर जो होता है नीचे लगा हुआ है, कनेक्टर पहले खोल लेंगे उसके बाद। अब खींचना मत बिल्कुल भी, जहाँ भी फ्रेंड आप अटकोगे वहाँ पर रोक देना, कोई ज़बरदस्ती मत करना। तो फ्रेंड जो ये पत्ता निकालोगे आप, जो कनेक्टर चार्जिंग का पोर्ट पूरा है ये चिपका होता है कंपनी तरफ, जो कंपनी देती है बिल्कुल चिपका हुआ देती है, तो इसको आपको निकालना कैसे है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको आराम से सेफली बिना कुछ गड़बड़ किए निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखिए कनेक्टर मैंने वाइब्रेटर निकाल दिया है, अब जैसे स्क्रू हैं यहाँ उसे खोल लेते हैं नीचे चार्जिंग जैक के, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है फ्रेंड, बस जैसे हम आईफोन 5 और 6s करते हैं, 6 करते हैं, जो भी फ़ोन हम जैसी जिस भी फ़ोन का हम करते हैं चार्जिंग पोर्ट खोलते हैं, वो वैसे ही वैसे स्क्रू इसमें लगे हुए हैं, कोई अलग स्क्रू नहीं है, सेम स्क्रू लगे हुए हैं, बस थोड़ा जो डायग्राम है वो थोड़ा अलग है, लेकिन चीज़ के स्क्रू जो हैं वैसे ही हैं, ठीक है। बस देखिए दो स्क्रू यहाँ नीचे ध्यान से खोल लीजिए, यहाँ दो स्क्रू लगे हुए हैं, तो इनको निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए स्क्रू हमने निकाल लिए, तो यहाँ से करते हैं, तो ये दो स्क्रू निकाल लिए। तो देखिए अभी चार्जिंग पोर्ट अभी हमारा खाली हो चुका है, ठीक है। तो देखिए चार्जिंग पोर्ट हमारा ये निकल चुका है, ये खाली है, जितने भी स्क्रू थे फिर हमने स्क्रू सारे खोल दिए हैं। अब निकालेंगे चार्जिंग पोर्ट को निकालना कैसे है, ठीक है। अब मेन चीज़ यही है हमारी, तो इसके लिए फिर आप करना क्या है, तो देखिए ध्यान से, तो देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, जो हमारा ग्लू काटने वाला क्लीनर होता है फ्रेंड, वो क्लीनर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसको यहाँ से
उसका माइक खोल लेते हैं, ये इसका माइक को निकाल दे कनेक्टर से। देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास क्लीनर है, जब हम ग्लू काटते हैं हर फ़ोन की ग्लास वगैरह निकालते हैं, टच निकालते हैं, ये वो क्लीनर है। तो आपको इस क्लीनर से क्या होता है, जितनी भी गम होती है फ्रेंड, सारी गम काट देगा। नीचे पत्ता लगा हुआ है, कनेक्टर लगा हुआ है, तो ये कनेक्टर है, ठीक है। तो उसके नीचे फ्रेंड फ्लेक्स जा रहा है पूरा। तो कैसे हम निकालेंगे इस फ्लेक्स को, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले एक साइड से पहले इसको उठाइए कोने से, ठीक है, हल्का सा उठाइए, जहाँ तक आपको हो सके वहाँ तक इसको निकालिए। फिर ये ग्लू डालिए, आपको एक क्लीनर पूरा डालना है इसके अंदर यहाँ साइड से, ठीक है। आप इसको खींचिए आराम आराम से, ठीक है। तो फ्रेंड ये देखते रहिए आप, इस तरह से आपको निकालना है। तो क्लीनर हो सके जितना जहाँ आप अटको वहाँ क्लीनर डाल लेना, क्लीनर बिल्कुल ही सारी गम काट देगा आपकी, और आपका काम बहुत ही आसान कर देगा, कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि फ्रेंड अगर आप बिना अगर आप किसी बिना क्लीनर के निकालोगे इसको, तो बहुत तगड़ी चिपकी होती है इसमें गम, तो ये पत्ता काट सकती है, तोड़ सकती है, तो मतलब आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये ओरिजिनल चीज़ है, तो इसको बड़े ध्यान से ही निकालना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमको क्लीनर डाल के निकाल रहे हैं, ये फ्रेंड बहुत मजबूत चिपके होते हैं, इसलिए आप क्लीनर का ही इस्तेमाल करें। फ्रेंड ये क्लीनर बहुत अच्छी होती है, तो आप बैटरी निकालते वक्त, पत्ता निकालते वक्त, चार्जिंग फ्लैश निकालते वक्त, किसी भी मतलब चिपकी हुई चीज़ को निकालने के वक्त आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, या तो ग्लास क्लीन करते हो ग्लास के ऊपर भी आप ये यूज़ कर सकते हो, जिससे सारे गम काट देगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको साइड से आराम से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, मैंने बिल्कुल भी खींचा तानी खींचा बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं है, जोर कहीं भी लगाया, खाली ग्लू डाला, ये क्लीनर डाला, क्लीनर डालते ही सारा ग्लू कट गया है, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ कैसे आपको निकालना है पूरा फ्लेक्स। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से निकालेंगे यहाँ से। अब इसको ओपन करेंगे, जहाँ भी आपको दिखे ना आप अटक रहे हो वहाँ पे आप क्लीनर डाल दीजिए, जो भी सारी ग्लू आप काट देगी। तो ये खींच देते हैं यहाँ से हल्का सा, ठीक है। तो अब यहाँ से ग्लू डालते हैं, देखिए यहाँ से क्लीनर डाल देते हैं। तो ये डाला, अब ये कटेगा आराम से, देखिए ये देखिए ये देखिए, है ना फ्रेंड। तो ये बहुत मजबूत है, और देखिए कितनी आराम से प्यार से कट जा रही है, कोई भी इशू दिक्कत नहीं आ रही है इसके अंदर। तो आप कहीं भी आप गलती से भी आप हीट मत मार, क्योंकि फ्रेंड बहुत से ऐसे गर्म करते हैं इसको, हीट मारते हैं जब तक निकलता है। तो सबसे सिंपल तरीका, अगर आप हीट नहीं मारे तो क्लीनर डाल दीजिए, बिल्कुल जल्दी जल्दी आराम से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ से कनेक्टर खोलते हैं। अब इसे देख ध्यान से फ्रेंड, अब इसे कैसे निकालेंगे, क्योंकि नीचे है बोर्ड, कितना नीचे ऊपर गया हुआ पत्ता, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है फ्रेंड, बोर्ड नहीं निकालना आपको, बोर्ड बिना बोर्ड निकाले भी आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं स्क्रू यहाँ पे होता हूँ, खोल देता हूँ बोर्ड के। आप बिना बोर्ड को उठाए भी इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालना है मैं आपको दिखाता हूँ, आप पूरा बोर्ड मत खोलिए, कौन सा झमेला करे, ठीक है। अब करना क्या, देखिए यहाँ से आपको आधा बोर्ड उठाना, आधा सा, ठीक है, पूरा मत उठाइए, सिर्फ आधा बोर्ड उठाइए। तो क्या करना, देखिए अब यहाँ से इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। तो मैंने एक हाथ से बोर्ड को ऊपर उठा रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से ये हिल रहा है। ये इसको बोर्ड को हम उठाते हैं यहाँ से और क्लीनर डालते हैं। अब क्लीनर डालिए, ठीक है, अब ये डाल दिया इसको। तो देखिए अभी डाला मैंने, अब इसका करना है इसको बोर्ड को से ऊपर नीचे दाएं बाएं करिए, ठीक है, ऐसे घिसिए इसको, घिसते 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 घिसते। तो देखिए अब ये बाहर आ जाएगा, तो ये देखिए आ गया फ्रेंड बाहर। तो देखा आपने फ्रेंड कितना सिंपली मैंने इसको निकाला। तो देखिए इस तरह से हमने इस चार्जिंग फ्लेक्स को आसानी से बिल्कुल सेफली हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो देखा फ्रेंड आपने किस तरह से मैंने इसको फ्लेक्स को रिमूव किया, वो भी एक क्लीनर से। तो आप भी क्लीनर का इस्तेमाल करके कोई भी चार्जिंग फ्लेक्स को निकाल सकते हो बड़ी ईजी आसानी से, ठीक है। देखिए फ्रेंड कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही क्लीन है, ठीक है। तो चलिए अब हम उसका जो कॉपी वाला है चार्जिंग पोर्ट वो चेंज करते हैं, क्योंकि फ्रेंड ओरिजिनल तो अभी फ़िलहाल अभी हमारे पास अलाउड नहीं था, तो इसलिए कस्टमर के दिखाने पहले ही हम कह दिया है, लेकिन कॉपी लगा रहे हैं, ठीक है, इसके यूजेस के लिए, क्योंकि फिलहाल वो यूज़ कर सके फ़ोन, ठीक है, इसलिए हम इसमें ये लगा रहे हैं। तो फ्रेंड कभी भी आप कॉपी पत्ता लेते हो तो आप सब कुछ चेक करना, चार्जिंग को चेक कर लेना, नेटवर्क को चेक कर लेना, माइक को चेक कर लेना। तो फिर सब कुछ आप दुकान पर ही चेक कर लीजिए, अगर आप बिना चेक करके लाओगे तो ये रिटर्न नहीं होते, क्योंकि फ्रेंड इनकी कोई वारंटी नहीं होती, ये कॉपी होते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप लो तो हमेशा सब कुछ चेक करके ही लेना, बिना चेक किए आप कोई भी चीज़ मत लेना, ठीक है। तो आप देखिए जितने भी स्क्रू है सारे खोल देता हूँ। तो फ्रेंड बिल्कुल ध्यान से आपको करना है। तो आप कॉपी फ्लेक्स लाओगे तो बिल्कुल भी मतलब चेक कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड, कॉपी चीज़ कोई भी आईफोन 5 से लेकर 10 तक कोई सा भी फ्रेंड आप फ्लेक्स लेते हो तो चेक जरूर कर लेना, कहीं से कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह से मतलब ये सारा हमने खोल दिया है। तो ये यहाँ पे टेप लगी है, तो फ्रेंड ये टेप ज़रूरी निकालना है, पहले इसको चेक कर देता हूँ सही, ठीक है।
तो इसको मोड़ देते हैं। तो फ्रेंड मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, एक बार देख लूँ। तो सॉरी फ्रेंड, गलती से मतलब मैंने उस साइड घुमा दिया इसको, ठीक है। तो गलती से मैंने वहाँ घुमा दिया, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। हाँ, एस जैसे लगेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। तो अब हम इसको फिट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैं पहले इसकी टेप उखाड़ देता हूँ, ये गलती से रह गई, तो टेप उखाड़ दी। चलिए अब इसको हम फिक्स करते हैं इसके अंदर। तो हल्का सा बोर्ड यहाँ पर उठाएँगे, हल्का बोर्ड उठाना है, फिर इसको अंदर से डालना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से डालना है, बिल्कुल ही सेफली हल्का बोर्ड उठाइए और अपने आप ही अंदर चला जाएगा। तो देखिए, आप देख सकते हो, तो इस तरह डालना है इसको अंदर। फ्रेंड, इसमें बस आपको अपने हाथों का कमाल करना है कि हाथ आपको किस तरह से बैठाना है और किस तरह आपको दिमाग लगाना है, और ठंडे दिमाग से आपको काम करना है, कहीं कोई इशू या गलती बिल्कुल ही ना आ जाए, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने इसको बिल्कुल ही फिक्स कर लिया है, तो यहाँ से, ठीक है। तो ये बराबर आ गया, तो आप इसको, हम इसको बिठा देंगे और पैक कर देंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड, हमने किस तरह से चार्जिंग पोर्ट को निकाला और फिक्स किया, इस तरह से आप कर सकते हो। तो आप इसको, हम जितने भी स्क्रू हैं सारे इसमें हम इनको लगा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पहले माइक को सेट कर लेंगे। माइक को अच्छे से सेट कर लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और ध्यान रखना कोई चीज़, कोई पेज यहाँ से वहाँ मिसिंग ना हो। आप बड़े ध्यान से ही काम करिए, तो आप देखते रहिए इस तरह से आपको काम करना है। तो फ्रेंड मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जो मेरे फ्रेंड वीडियोस आ रहे हैं अब बहुत ही मतलब बहुत ही लेट आ रहे हैं, तो आपको लेट ही मिलेंगे, क्योंकि लेट मैं अभी थोड़ा अपने काम में बिजी हो गया हूँ। मैं अपने बिजनेस को सेटल करने में लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं वीडियोस कम बना पा रहा हूँ, लेकिन काम तो फ्रेंड मैं रोज़ ही कर रहा हूँ, रोज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं वीडियो बनाने का मिल रहा है, ठीक है। तो आपसे माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो आपको मेरी लेट ही मिलेगी आपको, तो प्लीज़ माइंड मत करना, मैं आपको फ़िलहाल दिखाता रहूँगा। क्योंकि 5 और 6 तो फिल्म नॉर्मली आते रहते हैं, वो मैं प्रॉब्लम आपको सारी मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बार बार वीडियो उस पर नहीं बनाता कि मैं एक ही चीज़ पे बार बार वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैं कुछ नया देखता हूँ, तो तभी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा कि मैं कुछ नया ला रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं फ्रेंड काफ़ी प्रॉब्लम मैंने आपको आईफोन की बता दी हैं, अपने पेज पर डाल दिए हैं, आप देख सकते हो। अगर मैं वही प्रॉब्लम बार बार डालूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं कुछ नया डालता हूँ कि आपको कोई नई चीज़ देखने को मिले। तो ये 7 Plus की जो चार्जिंग की प्रॉब्लम थी, फ्लैक्स चेंज की, ये आज फर्स्ट टाइम आई है, ठीक है। इससे पहले भी लगा चुका हूँ, लेकिन उस टाइम बनाई नहीं थी, अब मैं बना रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल पे डिस्प्ले का भी डाल दिया है, मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले कैसे रिप्लेस करनी है वही मैंने डाल दी है 7 Plus की, और आज इसमें मैंने चार्जिंग पोर्ट का भी डाल दिया है, ठीक है। तो मेरे को फ्रेंड जो भी नई नई प्रॉब्लम मुझे मिलेंगी तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। मेरे को टाइम मिलेगा तो ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो मैं फ्रेंड अपनी वेबसाइट मैंने लॉन्च कर दी है, PSASmobile.in नाम से है, तो आप जाके चेक कर सकते हो मेरी वेबसाइट, ठीक है। मेरी वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, हमने जो सर्विस दे रखी है दिल्ली में, हमारी सर्विस चल रही है, पिक एंड ड्रॉप की चल रही है, ठीक है। हम घर पे जाके फ़ोन रिपेयर करते हैं कस्टमर के, हम टेम्पर ग्लास फ्री लगाते हैं डिस्प्ले के साथ में, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो फ्रेंड हमने कस्टमर के लिए काफ़ी अच्छी कर दी है, हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके आप चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमने उस पर अपने आईफोन के जो प्राइजेस हैं सारे रिपेयरिंग के, वो सब दे रखे हैं, आप जाके उसमें चेक कर सकते हो कि कितने में हम लोग काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हम साथ साथ फ्रेंड 6 महीने की वारंटी भी दे रहे हैं, तो आप जाइए और चेक करिए, तो हमें बताइए कि आपने हमारे पेज चेक किया कि हमारी सर्विस ठीक है या नहीं, ठीक है। तो आप जाके चेक कर सकते हो हमारे पहुँच को, तो ठीक है। तो BSASmobile.in नाम से है, आप चेक कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है हमारा BSAS, उसको आप लाइक कर दीजिए, ट्विटर पे हमारा है उसको फॉलो कर दीजिए, इंस्टा पे हमारा है फॉलो कर दीजिए। हम आपको बहुत कुछ डिटेल देते रहेंगे इसके मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में बताते रहेंगे, ठीक है। तो आप फ्रेंड काफ़ी कुछ हमारे, मुझे पता है फ्रेंड आप बहुत कुछ मेरे चैनल से सीखे होंगे कि क्या क्या आईफोन में प्रॉब्लम आती है। मैंने मैक्सिमम 150 के आसपास, तो शायद 125 तक मैंने वीडियो डाल दिए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम मैंने दिखा दी उसके अंदर, तो आप सीख गए होगे, ठीक है। तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हो मैं जानता हूँ फ्रेंड, काफ़ी मेरे को फ़ोन भी आते हैं, कॉल्स आती हैं, मेरे से पूछते हैं लोग, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे से लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड मैं अपनी जो मेरा जो काम है BSAS मोबाइल में, इसको काफ़ी आगे तक लेना चाहता हूँ, काफ़ी बड़े लेवल तक लेना चाहता हूँ, तो मैं उसी चीज़ में लगा हुआ हूँ कि मैं अपने इस ब्रांड को, अपने नाम को काफ़ी आगे तक ले जाऊँ। जो हमारा BSAS मोबाइल सर्विस है, हम अपनी सर्विस में काफ़ी कुछ देने वाले हैं, मोबाइल की ओरिजिनल चीज़ें, ओरिजिनल बैटरीज, ओरिजिनल एक्सेसरीज़,
और 6 मंथ की वारंटी थी, 90 दिन की वारंटी, हम सब कुछ दे रहे हैं, कस्टमर के जाके घर पे जाके फ़ोन ठीक कर रहे हैं। हम दिल्ली में फ्रेंड हमने भी सर्विस चालू करी है, तो जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हम उसको दिल्ली से बाहर भी चालू कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो हमारे फ्रेंड हमारा जो हमारा ऑफिस है, ये शॉप हमारी है दिल्ली के जनकपुरी जेल रोड इलाके में है, ठीक है। आप गूगल पर जाके चेक कर सकते हो, आपको वहाँ की लोकेशन मिल जाएगी, वहाँ पर आ सकते हो। तो मोबाइल जो हमारा फ्रेंड जो ऑफिस है ये है मोबाइल स्क्वायर में, तो मोबाइल स्क्वायर और BSAS मोबाइल ये एक ही है, आप मोबाइल स्क्वायर जाके सर्च कर सकते हो फेसबुक गूगल पे, ठीक है। तो आप वहाँ पे मैं इसका लिंक जो मोबाइल स्क्वायर है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके यहाँ से मोबाइल स्क्वायर का पेज चेक कर सकते हो। फिलहाल अभी उनकी वेबसाइट नहीं है, फेसबुक पेज है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड इसीलिए मैं वीडियो बनाने में लेट हो जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा यही जो मेरा अभी गोल है, मेरा यही है कि मैं अपने ब्रांड को आगे तक ले जाऊं, और भी बहुत कुछ मेरी टीम, अभी टीम भी मुझे बनानी है, तो हम उस पर पूरा फोकस करे हुए हैं कि कैसे हम अपने काम को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो मैंने आपको उस वीडियो में यही बता दिया है कि मतलब मैं जो फ्रेंड अभी जब मेरे वीडियोस आ रहे हैं वो लेट आ रहे हैं, और आएंगे तो कुछ अलग वाले वीडियो आएंगे जिससे कि आप कुछ नई चीज़ सीख पाओगे। तो फिलहाल मैं अपने काम की वजह से थोड़ा लेट हूँ। मैं फ़िलहाल अभी फ्रेंड मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं अपने जो अपने वेबसाइट बनाई है, अपने पेज, हमारे सर्विस है, उसके ऊपर बनाऊंगा वीडियो, मैं अपलोड करूंगा कि आप उसमें जान सकते हो हमारे सर्विसेज के बारे में, ठीक है। अगर फ्रेंड आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारे पास आके हमारे BSAS मोबाइल में जब या कुछ मतलब जॉब करना चाहते हो या कुछ भी है, तो आप हमारे पास आके जॉब कर सकते हो, ठीक है। हम अभी अपनी टीम बनाने में लगे हुए हैं, तो आप वहाँ पर आ सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब फिलहाल हो गई बातें, तो अब मैं इसको देखिए मैंने चार्जिंग फ्लैक्स को जिस तरह से सेट किया है आप देख सकते हो, तो हमने पूरा चार्जिंग फ्लैक्स जो है कि सेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से लास्ट ये स्पीकर रह गया है, हम इसको स्पीकर चेक कर देते हैं। तो मैंने फ्रेंड वीडियो बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं करी है ताकि आपको समझना आए, मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको समझना आए, तो मैं वीडियो फॉरवर्ड नहीं करता, चाहे मैं फॉरवर्ड कर दूँ बस, हाँ थोड़ा बहुत मैं स्किप कर देता हूँ कि जिसमें टाइम लगता है मैं उसको स्किप कर देता हूँ, लेकिन मैं फॉरवर्ड नहीं करता ताकि आपको आसानी से सब कुछ पता लग जाए, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा फ्रेंड बता दिया है कि कैसे आपको iPhone 7 Plus को चार्जिंग पोर्ट को रिप्लेस करना है, iPhone 7 Plus हो या iPhone 7 हो, इनको कैसे आपको रिप्लेस करना है वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, तो आप इसको ठीक कर सकते हो और बना सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और हाँ फ्रेंड, जो मैंने अभी चार्जिंग फ्लैक्स निकाला है वो मैंने एक ग्लू काटने के क्लीनर आता है उससे निकाला है, ये क्लीनर आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है, वो आप ले लीजिए और अब इससे आसानी से कोई भी चिपकी हुई चीज़ को निकाल सकते हो। चिपकी हुई चीज़ में फ्रेंड जैसे कि ऊपर जो हमारा फ्रेंड कैमरा पत्ता होता है वो चिपका होता है वो निकालने काम आएगा, या ये जो नीचे पत्ते होते हैं वॉल्यूम अप डाउन के इनको निकालने काम आएगा, चार्जिंग फ्लैक्स निकालने काम आएगा, और ये बैटरी निकालने का फ्रेंड का, मान लीजिए बैटरी आपकी कट जाती है तो आप क्लीनर डाल के नीचे से पत्ती से काट से उसको आराम से ही सेफली निकाल दोगे फ्रेंड, क्योंकि अगर आप गम डालोगे रबड़ काटते हो तो ऐसा भी होता है कि कट जाता है, तो इसलिए वो बैटरी में चिमटी मारते हैं तो बैटरी के जो कवर फट जाते हैं, इसलिए आप क्लीनर डालिए और बैटरी सेफली निकालिए। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगा कि आपको बैटरी क्लीनर से कैसे सेफली रिमूव करनी है, ठीक है। तो देखिए मैं अभी सारे स्क्रू लगा दिए हैं, तो टोटली मैंने फ्रेंड देखिए आपके सामने मैंने पूरा फ़ोन अब पैक कर दिया है, ये चार्जिंग फ्लैक्स जो है कि पूरा सेट हो गया है, ठीक है। तो देख सकते हो पूरा फ्लैक्स हमारा सेट हो गया है, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी डिस्प्ले का जो स्पीकर है उसे क्लीन कर दूँ, कि कस्टमर की शिकायत यह है कि इसमें स्पीकर में बहुत कम आवाज़ आती है, तो जिसका फ्रेंड स्पीकर है उसको भी हम क्लीन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको उसके फ्लैक्स का ये सीट है इसे खोलना है, तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट्स कर दीजिए करिए, या मुझे कॉल मैसेज करिए, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, ठीक है। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा, अगर कॉल भी करोगे तो मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। जो प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, तो क्लीन कर दिया, साफ कर दिया, तो अब इसको पैक कर देंगे, तो इस तरह से पैक कर देना है इसको आराम से। यहाँ सीट लगाई और इसको पैक कर देते हैं आराम से यूं करके, ठीक है। ध्यान रखना फ्रेंड कोई लंबा स्क्रू मत डालना वरना आगे निशान पड़ जाएंगे,
निशान होते हैं स्क्रू के, वो आगे डिस्प्ले में आ जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से कोई दिक्कत, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। तो देखिए हमने कर दिया, यहाँ से इसको कर देते हैं। तो देखिए मैंने सीट लगा दी है, अब हम डिस्प्ले पैक कर देते हैं। तो आपको डिस्प्ले करना है, सबसे पहले आप यहाँ डिस्प्ले पैक करेंगे तो क्लिक करेंगे ऊपर का पत्ता होता है कनेक्टर, पहले वो फिक्स कर देंगे, यहाँ से उसको फिक्स कर देना है यूँ का आराम से लगाना है। फिर इसके बाद कनेक्टर लगा देंगे डिस्प्ले का, फिर टच का, ठीक है। अब बैटरी लगा देंगे तो आप उसके फ़ोन को ऑन करेंगे तो देखिए अब फ़ोन भी ऑन हो गया। तो आप चार्जिंग को लाकर चेक कर लेंगे कि फ़ोन चार्ज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड आप समझ गए होंगे कैसे मैंने आज चार्जिंग सेवन प्लस के चार्जिंग पोर्ट को निकाला और फिक्स किया, किस तरह निकाला, किस तरह लगाया, क्या क्या बातें मैंने आपको समझाई हैं अपने काम के ऊपर किसी पे। तो अगर आपको फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक ठोक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो ये चार्जिंग फ्लैक्स है, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको ऐसे ही वीडियो बना के दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई, डन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।